जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज शिक्षक संघ ने बैठक कर साक्षरता कार्यालय से रखी मांग। मधुबनी नगर के टाउन क्लब मैदान में शिक्षा सेवक तालीमी मरकज शिक्षक संघ की बैठक संघ के जिलाध्यक्ष रेजा बाबू की अध्यक्षता में हुई। उप बैठक में जिला साक्षरता कार्यालय से 13 प्रखंड का लंबित मानदेय भुगतान करने के संबंध में निदेशालय के मार्गदर्शन के आलोक में सर्विस बुक से संबंधित संपूर्ण बिहार में एक जैसा फॉर्मेट निर्गत करवाने के संबंध में एवं फुलप्रास प्रखंड के शिक्षा सेवक अनामुल को 2 वर्षों की लंबित मानदेय निर्गत करवाने के संबंध में मांगे रखी गई। उन्होंने कहा कि यदि हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उप बैठक में कैलाश सदाया उजाला, मोइनुद्दीन गंगा सदाया, नूर मोहम्मद खुर्शीद, राजा रहमानी एवं अन्य दर्जनों उपस्थित थे। अपना परिचय बताइए। हम शिक्षा सेवक ताली मरकज शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद रजा बाबू। हम लोगों का मांग यह है कि 13 प्रखंड का शेष बाकी मानदेय जो है मार्च 2019 का है, जो 1,67,30,000 रुपया है, वह हम लोगों का जो है 1 मार्च में अगर भुगतान नहीं हुआ तो अप्रैल में हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दूसरा मांग यह है कि 3 बार फॉर्मेट सेवा पुस्तिका का निकल गया और निरस्त हो गया साक्षरता डीपीओ सर के द्वारा। हम चाहेंगे कि निदेशालय से एक मार्गदर्शक मांग लिया है और हम लोगों का जो है निदेशालय का जो फॉर्मेट होगा उस पर हम लोगों का सेवा पुस्तिका खोला जाए। फुलप्रास प्रखंड का शिक्षा सेवक तालीम मरकज इनामुल हक को 2 वर्षों से किसी कारणवश उसको जेल भेज दिया गया और उसको वेतन रोक दिया गया और वह काम कर रहा है। उनके वेतन मांगने के लिए आवेदन दिया जा रहा है, भुगतान करने में असमर्थ है साक्षरता डीडीपीओ। हम सर से आग्रह करेंगे कि हम लोगों का इनामुल हक का जल्द से जल्द मानदेय भुगतान किया जाए, क्योंकि 2 साल का वेतन गरीब आदमी है, 8,000 अल्प मानदेय है, इसको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। जय हिंद, नमस्कार। अपना परिचय बताइए। मैं एमडी मोइनुद्दीन शिक्षा सेवक तालीम मरकज अंधाखाड़ी प्रखंड से। यहाँ हम लोगों की जिला इकाई की बैठक थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि अगर मार्च 31 तक हम लोगों का लंबित मानदेय भुगतान नहीं किया जाता है तो हम लोग बाध होंगे आंदोलन के लिए।